हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको पेपर पर गले की कटिंग करना सिखाऊंगी बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल भी कटिंग करनी नहीं आती है गले की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने ये पेपर ले लिया है, तो मैं पेपर पर ही कटिंग करूँगी। तो आप इसे देखिए, मैं किस तरीके से इसे रख रही हूँ। इसको दो भागों में इस तरीके से रखेंगे हम, इस तरीके से। और यदि आप सीख रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर पर ही कटिंग कीजिए और उसके बाद आप पेस्टिंग या बुकरम पर कटिंग कीजिए। तो एक साइड इसका बंद साइड है और एक साइड इसका खुला साइड है। तो बंद साइड से ही निशान लगाया जाता है हमेशा। तो इसमें जो मैं इसकी लंबाई नाप लूँगी, लंबाई आपको जितनी भी रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैं इसमें 6 साढ़े 6 रख रही हूँ, आप 7-8 तक रख सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा गला पहनना है तो उसके अनुसार आप इसकी लंबाई रख लीजिए। इसके बाद हम गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की जो चौड़ाई होती है वो हम रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 से 3 इंच तक आप इसे रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है। सबसे पहले आपको इस तरीके से इस निशानों को मिला लेना है 2.5 इंच पर। और इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो हमने ये बॉक्स बना लिया है, उसके बाद एक निशान हमें 1.5 इंच पे लगाना है। और दूसरा इस निशान भी आप 1.5 इंच पे लगाइए। मैंने ऐसे ही लगा लिया, आप इंच टेप से नाप के लगा लीजिए। तो हमने दो निशान यहाँ पे 1.5 इंच पर लगा लिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आपको ये हल्की गोलाई दी यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हमें अंदर की तरफ इस तरीके से हल्का सा राउंड लेने गोलाई ले लेनी है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ से हमें इसे यहाँ नीचे मिला लेना है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1-1 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाते रहना है इस तरीके से। और यहाँ ऊपर भी लगाना है। हमने 1-1 इंच पे निशान लगा लिया है और अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले हमने जहाँ पर निशान लगाया है उसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरीके से काट लेंगे। तो ये हमारे जो है गले की कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। आप इस तरीके से जो है गले की कटिंग करना सीख सकते हैं पेपर पर, और उसके बाद आप जो है बुकरम पर कटिंग कीजिए। और देखिए इस तरीके से आसानी से आप गला बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको, ये हमारा एक गला बनकर तैयार है डिज़ाइन, और अब मैं आपको एक और गला गले का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी इसके बाद।
इसके लिए भी मैंने एक पेपर लिया है। पेपर को इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे दो भागों में। तो ये मैं दूसरा डिज़ाइन बनाना सिखा रही हूँ आपको। इसमें भी आपको 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है और लंबाई आपको जितनी भी चाहिए इसकी भी आप लंबाई रख सकते हैं उतनी, जितनी 6, 7, 8 जितना भी आप गला पहनना चाहते हैं उतनी इसकी लंबाई रख लीजिए। इसके बाद इन निशानों को हमें मिला लेना है। एक साइड हमारी ये बन साइड है तो आपको बन साइड से ही निशान लगाना है। तो इस तरीके से आपको ये देखिए इस तरीके से मिला लेना है हल्का सा। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक सिर्फ इसे इतना ही निशान लगाना है। जो हमने ऊपर निशान लगाया उसको हल्के से गोलाई देते हुए और नीचे मिला लेना है। तो इसे देखिए इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे आप बना सकते हैं आसानी से। अगर आप सीख रहे हैं आपको बिल्कुल भी नहीं आती है सिलाई तो आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बना लिया है और इसको भी हम एक्स्ट्रा कपड़े काट लेंगे। तो ये हमारा गला दूसरा गला भी बनकर तैयार है। ये देखिए मैं इसे खोल के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से बनेगा कटने के बाद। तो आप इस तरीके से जो है गले के डिज़ाइन घर पर बना सकते हैं, अपनी मनपसंद गला जो भी आप बनाना चाहते हैं उस डिज़ाइन को आप घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल है और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर आप सिलाई की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।